यम टच के व्यूअर्स का एक बार फिर से स्वागत है। आज की जो हमारी नवरात्रि स्पेशल सीरीज चल रही है उसके दौरान हम सीखेंगे कुकुम्बर रायता। कुकुम्बर यानी कि खीरा। अगर हम खीरे की बात करें तो ये लो कैलोरी, हाईली फाइबरस और हाई वाटर कंटेंट इंग्रेडिएंट है। और जब हम उसको योगर्ट के साथ मिक्स करते हैं तो योगर्ट इज रिच इन कैल्शियम, आयोडीन एंड फॉस्फोरस। सो दिस यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कुकुम्बर एंड योगर्ट विल गिव यू अ हेल्दी फास्ट रेसिपी। तो चलिए नजर डालते हैं कि इंग्रेडिएंट्स पर। हमारे पास है लगभग एक कटोरी दही, नमक, काली मिर्च पाउडर, भुजा हुआ जीरा पाउडर, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और लगभग दो खीरे। चलिए इसका आसान सा तरीका देखते हैं। में खीरा कद्दूकस कर लेंगे। इस तरीके से हमारा खीरा हमने कद्दूकस कर लिया है। अब हम कर्ड लेंगे एक बाउल में। इस कर्ड में स्वाद अनुसार नमक डालेंगे और इसे अच्छा सा एक विस्क दे देंगे ताकि कर्ड में कोई लम्स ना रहे। अब इस कर्ड में हम ऐड करेंगे जो खीरा हमने कद्दूकस किया था और इसमें स्वाद अनुसार काली मिर्च भी ऐड करते हैं और बिल्कुल से एक लाइट सा विस्क देते हैं। डन। अब फाइनली बारी आती है इसकी प्लेटिंग की। हम चाहें तो हरी मिर्च जो हमने बारीक कट की हुई है वो हम इसमें अभी डाल सकते हैं और इसे एक बार मिक्स कर लें। ऊपर टॉपिंग के लिए हम भुजा पिसा हुआ जीरा को गार्निश कर सकते हैं, साथ ही में काली मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, तैयार है हमारा ये कुकुम्बर रायता। अपने इस नवरात्रि के व्रत में इस कुकुम्बर रायते को जरूर ट्राई करें और हमारे इनबॉक्स पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें हमारी रेसिपीज एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल यम टच।